हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है फार्मा सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी अरबिंदो फार्मा। जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि जब से कोविड सिनारियो आया है तब से फार्मा सेक्टर में काफी तेजी बनी हुई है और फार्मा सेक्टर में जितने भी स्टॉक हैं सारे के सारे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अरबिंदो फार्मा पर भी एक वीडियो बनाना जरूरी हो गया था क्योंकि ये कंपनी भी काफी अच्छी रही है। दोस्तों आज हम लोग अरबिंदो फार्मा के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इनका जो रिजल्ट किस प्रकार का रहा है, ये पास्ट में किस प्रकार का रिटर्न दी है और उसके आधार पर दोस्तों हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे अरबिंदो फार्मा के शेयर भाव क्या रह सकते हैं और इनका प्राइस ट्रेंड किस प्रकार का रह सकता है। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग इसके डिटेल्स एनालिसिस को वन बाय वन फंडामेंटली और टेक्निकली जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय अरबिंदो फार्मा 820 रुपए पर ट्रेड कर रहा था और अगर इसके रिटर्न की बात करें दोस्तों तो ये एक सप्ताह में लगभग 5.5%, एक महीना में 3% और ईयर टू डेट यानी जनवरी से अभी तक 80% का इन्होंने रिटर्न दे रखा है। और अगर एक साल की बात करें दोस्तों तो एक साल में यह 37% का रिटर्न दी है और तीन साल की बात करें तो ये लगभग 15% रिटर्न दी है, पांच साल में ये 13% दी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये समझ लें कि फार्मा सेक्टर पिछले पांच साल से अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को और ये सेक्टर काफी वेल्थ डिस्ट्रॉय किया है इन पिछले पांच सालों में। लेकिन जैसा कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जनवरी से ये अरबिंदो फार्मा लगभग 80% के आसपास रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये होता है कि जनवरी से फार्मा सेक्टर परफॉर्मेंस में रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब सारे फार्मा के स्टॉक चल रहे हैं, फार्मा सेक्टर अभी लाइमलाइट में आ चुका है तो ये अपने बियर फेज से निकलता हुआ दिख रहा है और हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे फार्मा सेक्टर अच्छा करेगा। लेकिन फार्मा सेक्टर अच्छा करेगा उसमें अरबिंदो फार्मा अच्छा करेगा या नहीं करेगा उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर 10 साल की रिटर्न की बात करें तो अरबिंदो फार्मा 10 साल में लगभग 800% का रिटर्न दिया है, यानी कि इसमें जो भी निवेशक निवेशित रहे हैं पिछले 10 सालों में उनका इतने खराब भाव में भी, खराब हालत में भी, जब फार्मा सेक्टर मंदी में था उसके बावजूद इसने अपने निवेशकों का पैसा मोर देन 8 times करके दिया है। तो दोस्तों अब चलिए हम लोग अरबिंदो फार्मा के फिनेंशियल ओवरव्यू को भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि अगर इसने इस प्रकार का रिटर्न दिया है तो इनका रिजल्ट किस प्रकार का रहा है। दोस्तों फार्मा सेक्टर की इस कंपनी अरबिंदो फार्मा का मार्केट कैप लगभग 48,500 करोड़ है, यानी कि ये लार्ज कैप ग्रुप में आती है और दोस्तों इसका पी जो है लगभग 16.78 है जबकि इंडस्ट्री पी 32.96 यानी 33 है। तो इस हिसाब से दोस्तों जो अरबिंदो फार्मा है ये थोड़ी सी सस्ती दिख रही है और डिविडेंड यील्ड भी इनका 0.37% है, डेट इक्विटी रेशियो भी है 0.17 है जो कि काफी बेहतरीन है और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 17% का है जो कि काफी बेहतरीन है। दोस्तों तो इस प्रकार ओवरव्यू में अरबिंदो फार्मा काफी ठीक ठाक कंपनी लग रही है। अब चलिए दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं कि बड़े निवेशकों का किस प्रकार का रुझान है, उस हिसाब से हम लोग ये तय करने की कोशिश करेंगे कि एक बड़े निवेशक अरबिंदो फार्मा के बारे में क्या व्यूज रखते हैं।
दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अरविंदो फार्मा में प्रमोटर्स की होल्डिंग 52% है और इसमें FI 22.3% होल्ड किए हैं, और म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये लगभग 11.9% इसमें होल्ड किए हैं, बाकी इसमें 13.2 जो है वो रिटेल निवेशक हैं। और दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है 51.9% लगातार बनी हुई रही है। प्रमोटर ने न तो अपना स्टैक बढ़ाया है न घटाया है, और एज ऑन डेट इनके इनके प्रमोटर के किसी भी प्रकार के प्लेस शेयर इन्होंने नहीं रखे हैं। और अगर दोस्तों अगर हम लोग DIs की होल्डिंग की बात करें अरविंदो फार्मा में, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि DIs ने मार्च 2018 से लगातार अरविंदो फार्मा में बिकवाली की है मार्च 2020 तक में, यानी कि DIs अरविंदो फार्मा में बियरिस हैं। लेकिन अगर दोस्तों अगर FIs होल्डिंग की बात करें तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मार्च 2018 में FIs की होल्डिंग 18% हुआ करती थी, जो कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मार्च 2020 में बढ़ करके 22.3% हो गया। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को अरविंदो फार्मा में FIs का जो स्टैक है बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि काफी बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, यानी कि जो FIs हैं अरविंदो फार्मा में काफी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग ये पा रहे हैं कि अरविंदो फार्मा में FIs जो है काफी बुलिश हैं, हालांकि DIs जो है इसमें बियरिश हैं, लेकिन इंडियन मार्केट दोस्तों FIs के ट्रेंड पर चलता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अरविंदो फार्मा के फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, इस वजह से FIs इसमें लगातार अपना स्टैक बढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये तो ओवरव्यू में हम लोग देख पाए कि इनका फंडामेंटल ठीक रहा होगा, इस वजह से इसमें स्टैक बढ़ा है, लेकिन हम लोग इसको अपने स्तर से भी थोड़ा डिटेल्स में जा करके चेक कर लें। दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अरविंदो फार्मा FY16 में 13,772 करोड़ का रिवेन्यू रिपोर्ट की थी, जो कि FY17 में बढ़कर के 14,910 करोड़ का हो गया, और उसके बाद दोस्तों FY18 में ये बढ़कर के 16,463 करोड़ का हो गया, और दोस्तों ये FY19 में बढ़कर 19,564 करोड़ का हो गया, और FY20 में ये बढ़ करके 23,098 करोड़ का हो गया। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि इनका जो रिवेन्यू है सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर काफी इसमें वृद्धि देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कंपनी जो है अपना बिजनेस बढ़ाने में सफल रही है। और अगर दोस्तों हम लोग इसके नेट प्रॉफिट की बात करें सेम पीरियड में, तो हम लोग देख रहे हैं कि FY16 में 2,025 करोड़ का नेट प्रॉफिट की थी, वो बढ़कर के FY17 में 2,302 करोड़ हो गया, और FY18 में ये बढ़कर के 2,423 करोड़ का हो गया। फिर FY19 में इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और ये 2,365 करोड़ का हो गया, लेकिन FY20 में जाकर के इसका रिवेन्यू काफी बढ़ा, 2,831 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट किया। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि FY16 से FY17 में इनका पॉजिटिव ग्रोथ रहा है, FY17 से FY18 में इनका पॉजिटिव ग्रोथ रहा है नेट प्रॉफिट में, और FY18 से FY19 में इनका निगेटिव ग्रोथ रहा है, लेकिन FY19 से FY20 में इनका जबरदस्त पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि अरविंदो फार्मा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है सेल्स और नेट प्रॉफिट के मामले में, हालांकि नेट प्रॉफिट में बीच में कुछ गिरावट देखने को मिली थी FY19 में, लेकिन अगर दोस्तों हम लोग पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड चेक करें तो हम लोग पा रहे हैं कि अरविंदो फार्मा FY8 में 2,420 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट करती थी, जो कि FY20 में बढ़कर के 23,098 करोड़ का हो गया।
यहां पर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में अरविंदो फार्मा का सेल्स जो है लगभग 10 टाइम्स इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। अगर दोस्तों सेम पीरियड में अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो FY8 में ये 238 करोड़ का नेट प्रॉफिट करती थी, जो कि FY20 में बढ़ करके ये 2,831 करोड़ का हो गया है। तो हम लोग यहाँ पा रहे हैं दोस्तों कि इनके नेट प्रॉफिट में पिछले 10 साल में इसमें भी लगभग 11 टाइम्स का ग्रोथ देखने को मिला है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि ये कंपनी जो है हाल फिलहाल अगर रिसेंटली ईयर में देखें तो वहां पर भी ग्रोथ करने में सफल रही है, सेल्स में भी और नेट प्रॉफिट में भी। और अगर पूरे 10 साल की बात करें तो 10 साल में भी इसने अच्छा जंप दिखाया है सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों फ्रंट में। तो इस तरह दोस्तों हम लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अरविंदो फार्मा सही में एक अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी है और इसके बिजनेस काफी अच्छी तरह रन कर रहे हैं। इस वजह से ये सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों फ्रंट पर ग्रोथ कर पाने में सक्षम रही है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन की बात करें तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हल्का सा डिग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन फिर भी दोस्तों 21% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं होता है। और अगर इनके इंटरेस्ट बर्डन की बात करें तो दोस्तों इनका इंटरेस्ट बर्डन अभी हाल के समय में कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अगर कंपेयर किया जाए दोस्तों तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट के सामने इंटरेस्ट बर्डन नेग्लिजिबल है। इसलिए हम लोग दोस्तों इसको नेगलेक्ट करके चल सकते हैं। ये कंपनी अपने इंटरेस्ट बर्डन को पे करने में पूरी तरह से सक्षम दिख रही है। तो दोस्तों हम लोग ये पा रहे हैं कुल मिला करके कि अरविंदो फार्मा के फंडामेंटल्स काफी सही हैं। लेकिन दोस्तों फार्मा सेक्टर काफी दिनों से मंदी में था, इस वजह से अरविंदो फार्मा भी निम्नतम स्तरों पर चल रहा था, लेकिन इस प्रकार से अभी फार्मा सेक्टर में तेजी आई है, अरविंदो फार्मा में भी तेजी देखने को मिली है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके चार्ट को एनालाइज करते हैं, उसके बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में अरविंदो फार्मा का शेयर भाव किस प्रकार से बिहेव कर सकता है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अरविंदो फार्मा जो है अपने न्यूनतम स्तर लगभग ये जो 400 रुपये के आसपास से इसमें तेजी बनती हुई दिख रही है, और ये 820 रुपये के आसपास से क्लोजिंग दिया है। और जिस तरह के हम लोग इसके लाइफ टाइम चार्ट को देख रहे हैं दोस्तों, तो इसमें ये हम लोग साफ पा रहे हैं कि इसका जो लाइफ हाई था लगभग 882 रुपये के आसपास था, उसके बाद ये जो लेवल था दोस्तों ये 2016 जनवरी का लेवल था, और अभी हम लोग 2020 जुलाई के महीने पर हैं, यानी कि हम लोग ऑलरेडी 5 साल इसमें बियरिश फेज देख चुके हैं। और इतने लंबे बियर फेज के बाद ये स्टॉक में तेजी बनती हुई दिख रही है, और ये अपने 200 EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें तेजी और भी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अब आप ये ध्यान रखिएगा कि पिछले 5 सालों से जो जब ये स्टॉक 880 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, उसमें बहुत सारे निवेशक फंसे हुए हैं और वो 5 साल से इनके प्राइस रिकवरी का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों कितना भी बुलिश होगा इस शेयर का प्राइस, जब ये 880 के लेवल पर जाएगा तो यहाँ पर काफी सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि जो निवेशक पिछले 5 सालों से फंसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं उब करके इससे शेयर से निकलने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये आने वाले दिनों में अरविंदो फार्मा 820 रुपये से 880 रुपये की तरफ तो जाएगा, लेकिन 880 रुपये का भाव टच करते के साथ ही इसमें काफी सेलिंग आएगी और ये फिर से नीचे गिरेगा। लेकिन दोस्तों अगर नीचे गिरेगा
तो उस समय हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये 750 से ज्यादा नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि फार्मा सेक्टर बुलिश ट्रेंड में है और अरविंदो फार्मा का चार्ट भी ये बता रहा है कि ये बुलिश ट्रेंड में है। लेकिन जिस प्रकार की 5 सालों की मंदी के बाद ये अपने उच्चतम स्तर को छूने की कोशिश करेगा 880 को, तो वहां पर काफी सेलिंग आएगी और जब ये सेलिंग खत्म होगी दोस्तों उसके बाद इसमें फ्रेश अप मूव देखने को मिलेगा, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं इनके रिजल्ट के हिसाब से। और फार्मा सेक्टर में जो बुलिशनेस पैदा हुआ है इन दिनों में उसके आधार पर हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लगातार वॉच करते रहें। मैं छोटी छोटी अच्छी जानकारियां आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ।